डिफेंस इनक्लेव स्थित बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रीत विहार में स्कूली बच्चों द्वारा भव्य रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें कि बच्चों ने अपनी प्रतिभा भी दर्शाई कि किस तरह से बच्चे अपनी प्रतिभा को इस मंचन पर प्रकट करेंगे। यह मंचन 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रोज शाम 6:45 से 9:30 रात्रि तक होगा। इसमें स्कूल के 6वीं से लेकर 9वीं तक के बच्चे शामिल होंगे। यह जानकारी स्कूल वाइस प्रिंसिपल योगेश अरोड़ा और स्कूल प्रबंधन कमेटी के सदस्य गुरुदत्त अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। संदेश तो रामचरितमानस का अपना ही है, वो जो भगवान राम का जीवन चरित्र और रामायण अपने आप में एक संदेश है कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। हर प्रश्न का हमारे उत्तर हमारी रामायण में है, सिर्फ खोजने की बात है और समझने की बात है, भाव की बात है कि आप किस भाव से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। हमारे बाल मंदिर पब्लिक स्कूल में रामलीला का सबसे बड़ा देह है हमारे बच्चों में वो चरित्र निर्माण करना, संस्कार निर्माण करना, भाव निर्माण करना, जिससे बच्चे अपने जीवन में संस्कारवान बने, समाज की देश की सेवा कर सकें, अपने परिवार में को ठीक से चला सकें और समाज में कुछ कर सकें, उसके लिए बच्चों में ये रामचरितमानस का हम लोग यहाँ पर पाठ कराते हैं, साथ में मंचन कराते हैं रामचरितमानस का, और सभी स्कूल के बच्चे इसमें जुड़े हुए होते हैं। इस बार 560 बच्चे इस रामलीला मंचन में स्कूल के पार्टिसिपेट करेंगे और स्कूल की अध्यापिकाएं इसको सब करवाएंगी। अभी भी आप देख रहे हैं बच्चे अपने अलग अलग अपने अपने सीन को तैयार कर रहे हैं, टीचर्स उनको तैयार करा रही हैं और इस पूरी रामलीला में बिल्कुल हम लोग पूरा ये जितना कार्यक्रम है पूरा निःशुल्क होता है, किसी तरीके का कोई कलेक्शन, कोई पर्ची, कोई किसी तरीके का हम लोग किसी भी व्यक्ति से हम ये कोई भी कलेक्शन नहीं करते हैं। स्कूल अपने स्तर पर इस सारे कार्यक्रम को करता है और एक बहुत ही ईश्वर की कृपा है हम इस बाल मंदिर विद्यालय के इस प्रांगण पर कि वो हमको अपनी कृपा से आह्लादित करते हैं, हमको ये कार्यक्रम करने की शक्ति देते हैं, हमको समझ देते हैं कि हम इस कार्यक्रम को कर पाएँ, तो यही हमारे कार्यक्रम का मुख्य कि हम अपने विद्यार्थियों को आज जैसे गर्म हवा चल रही है हम उनको बचाएं और उनको अपनी संस्कृति से जोड़ें, उनमें भाव आए, उनमें प्रेम रस आए, जीवन जीने की शैली रामायणकृत हो जाए। तो जैसे लक्ष्मण का क्या रोल था, उसने अपने भाई की सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, आज छोटे बड़े भाई आपस में ये प्यार रख सकें, ऐसे संस्कार उनके पास जाएं, यही मेन उद्देश्य है। वो अपनी संस्कृति से जुड़ें और संस्कारवान हों, उनमें भाव आए, वह अपने माता पिता की सेवा कर सके, जो हमारी जरूरत है आज के समाज की, कि हमारे आज मैं अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छे से बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, मैंने वो पढ़ा भी दिया और बच्चा मेरा संस्कारवान ही नहीं हुआ, उसने मुझे उठकर आगे देखा ही नहीं, तो मेरे शिक्षा का क्या लाभ हुआ, मेरे शिक्षा का कोई लाभ नहीं हुआ। शिक्षा का लाभ तभी है जब हम उस विद्यार्थी में विवेक जागृत कर सकें, अगर हमने विवेक जागृत कर दिया, उसे संस्कारवान बना दिया, बाकी तो सब बच्चे अपने आप खुद हमसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, हमें पता है उन्हें बहुत कुछ भरा हुआ है। इस मंच की खासियत ये छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, इससे इस भव्य रामलीला मंचन को भव्य बनाने में कहाँ हम सोचते हैं कि बड़े बड़े पात्र होते हैं, जो बाकी रामलीलाओं में हमने आज तक देखा था वहाँ जो पात्र होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं बहुत सारे उनमें से, मगर ये स्कूल के बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ने आते हैं, वो पढ़ने के साथ साथ वो इस भव्य रामलीला मंचन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे विद्यालय की खासियत सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चे हैं जो कि खुद लर्न करके, जो बड़े बड़े भी पात्र मैंने देखा है सब रामलीलाओं में जो पार्टिसिपेट करते हैं उनके पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती है, हमारे बच्चे कुछ भी उनको प्रॉम्प्टिंग नहीं की जाती, वो उन अपने पात्र को लर्न करते हैं, उन अपने भावों को भरते हैं और उसी को प्रदर्शित करते हैं, यही बाल मंदिर स्कूल की रामलीला की खासियत और यही विशेषता है। दशरथ यह तो बता, हमारे पुत्र ने प्राण कैसे त्यागे, श्रवण श्रवण अरे पूर्वजों की कीर्ति, हे सूर्यदेव आपको दशरथ का प्रणाम, रघुकुल की आन बान और शान के रक्षक गुरुदेव के चरणों में दास का प्रणाम,
प्रणाम करता हूँ मैं श्री पिता और श्री माता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी और विधाता को। तीसरा प्रणाम कर रहा हूँ मैं श्री विशिष्ट से गुरु ज्ञाता को, और चौथा प्रणाम करता हूँ मैं दशरथ से निरिप सुखदाता को। क्या हुआ मेरे लाल को, वह आया क्यों नहीं? क्या अपराध किया था मेरे पुत्र ने? श्रवण पुत्र श्रवण। देख और पहचान, मैं लंकेश हूँ। लंकेश ही नहीं बल्कि जगत नरेश हूँ। तो तू यहाँ क्यों आया है? सुंदरी, अपने बदले की अग्नि को बुझाने के लिए, अर्थात तुझे हर कर ले जाने के लिए। प्राणनाथ देवर लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो। बुखार, अपने सहायक को पुकार जो तुझे मेरे इन जबरदस्त हाथों से छुड़ाए।